Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Deen, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة الأنعام آيات 115 آيات 115-118 إن آيات کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بطور حکم رجوع کر سکتا ہوں پسند کر سکتا ہوں کہ خدا کے سوا میرا فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہو حالانکہ وہی ہے جس نے ایک کھلی کھلی کتاب کو تم پر نہ تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اور وہ جو لوگ جن کی خاطر یہ کتاب اتاری گئی ہے جو اس کے مستحق ہیں خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب الرب تیرے رب یعنی محمد کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے فلا تکونن من الممترین پس اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو تمت کلمت رب کا و تمت کلمت رب کا صدقا و عدلا سچائی اور انصاف کے لحاظ سے تیرے رب کا کلام درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تمت اس پر بات ختم ہو گئی لا مبدل لکلماتے اور ان کلمات کو کوئی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کبھی تبدیل نہیں ہوں گے اور اللہ بہت دیکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اگر تو زمین میں اکثریت رکھنے والوں کی پیروی کرے گا تو یقیناً وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے وہ تو ظن کے سوا اور کسی بات کی پیروی نہیں کرتے توہمات کے پیروکار ہیں
और महज अटकल पच्चू की बातें करने वाले लोग हैं। हां तेरा रब यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा रब वही है जो सबसे ज्यादा जानने वाला है कि कौन उसके रास्ते से गुमराह है और वही है जो सबसे ज्यादा जानने वाला है कि कौन हदायत याफ्ता है। कुरान करीम की इन आयात में भी और बहुत सी आयात में भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है कि जहाँ तक हक व बातिल की तमीज़ का ताल्लुक है और सच और झूठ के फैसले का ताल्लुक है, अददी अक्सरियत कोई भी हैसियत नहीं रखती, बल्कि बसा औकात अददी अक्सरियत गलती पर होती है। और बेशतर तौर पर यही देखने में आया है कि अगर अक्सरियत की पैरवी की जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है और महज अददी अक्सरियत की बिना पर किसी चीज़ को हक तस्लीम कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है। हक को बातिल की तमीज़ के और ज़राए हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो मुबैना किरतासे अबियस शाया हुआ है उसमें सबसे आखिरी बात बड़े फ़ख्र के साथ जो पेश की गई है वो यही अददी अक्सरियत का ढोल है जो पीटा गया है और तमाम दुनिया में बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को उछाला गया है कि जमात अहमदिया के खिलाफ तो हमारी अददी अक्सरियत थी, अवाम की अक्सरियत, कौमी असम्बली की अक्सरियत, बल्कि अक्सरियत ही नहीं उनका इजमा हो चुका था इनके खिलाफ। और 100 साल का ये मसला अटका हुआ, ये कौमी असम्बली ने बिल इत्तेफाक तय किया, इसलिए इसके बाद किसी और दलील की जरूरत ही नहीं रहती इनके झूठे होने के लिए। हालांकि अमरे वाकया ये है कि किसी बात पर उलमा का या अवाम का इत्तेफाक हरगिज वो सवाद आज़म नहीं कहला सकता जिस सवाद आज़म का हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। और तमाम चोटी के उलमा गुज़श्ता बुजुर्गान हज़रत अली करम अल्लाह वजह रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू होकर इस वक्त तक के उलमा इस बारे में खुलम खुला इस बात का इजहार फरमा चुके हैं कि जहाँ तक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाद आज़म का ताल्लुक़ है उसका ये माना गलत है कि अगर भारी अक्सरियत उलमा की या अवाम की एक तरफ हो जाए तो वो सवाद आज़म है और जिस बात के हक़ में वो हों वो दुरुस्त होगी। इसके बरक्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि अगर तू अकेला है हक़ के ऊपर तो तू ही है जो सच पैरवी के लायक है, बाकी सब अक्सरियत भी हरत करने के लायक। हज़रत इमाम राज़ी, हज़रत इमाम इबन तैमिया, हज़रत इमाम क़य्यम, इमाम राज़ी कसरत से ऐसे उलमा हैं जो मुसलमा उलमा हैं और वो इस सवाल को एक के बाद दूसरा उठाते चले जाते हैं और वाज़े करते चले जाते हैं कि हक़ का हक़ की पहचान में अददी अक्सरियत को कोई हैसियत हासिल नहीं और खुलकर ये लिखते चले जाते हैं कि एक भी तू अगर हो और हक पर हो तो तू ही है जो सवाद आज़म कहलाने का मुस्तहिक है, बाकी कोई सवाद आज़म नहीं है। इसके बावजूद इनका ये ढिंढोरा पीटना कि चूंकि अददी अक्सरियत हासिल है हमें और जमात अहमदिया एक मामूली अकलियत है, इसलिए एक अजीम शान इजमा हो गया है जिसे कोई इस्लामी सनद हासिल है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इस सिलसिले में चूंकि हवाले बहुत ज़्यादा थे वो मैंने फ़िलहाल छोड़ दिए हैं, चंद हवाले बाद में मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस कौमी असम्बली की अक्सरियत पर ये नाज़ा हैं, जिस कौमी असम्बली के फैसला को शरी सनद के तौर पर पेश किया जा रहा है, उस कौमी असम्बली के मुतलिक भी एक वाइट पेपर शाया हो चुका है। उस